लाला लाजपत राय जयंती समारोह में पहुंचे ओपी धनखड़, जिला अध्यक्ष गार्गी कक्कड़ भी रहे मौजूद। गुरुग्राम में बीजेपी के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद। करनाल में मनाया गया लाला लाजपत राय की जयंती। शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने कहा, बीजेपी देशभक्तों की पार्टी। लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती के अवसर पर हिसार में लाला लाजपत राय चौक पर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर माल्यार्पण और श्रद्धांजलि दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से 1 फरवरी को यहां पर पेश किए जाने वाले आम बजट, लोगों द्वारा बढ़े हुए पेट्रोल के दामों को कम करने की इस बीच उम्मीद जताई गई है। भिवानी में अध्यापक पात्रता परिणामों के साथ ही हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट परीक्षाओं में नकल करने वाले अभ्यर्थियों को पकड़ा है। वहीं एक बड़े प्रोजेक्टर पर परीक्षा के दौरान नकल करते हुए अभ्यर्थियों को मीडिया के सामने क्लिप के माध्यम से बोर्ड ने दर्शाया। अकेले लाइव सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 66 अभ्यर्थियों पर किया गया केस। पानीपत किसान भवन में आयोजित की गई भारतीय किसान यूनियन रतन मान की ओर से बैठक, सभी किसानों ने लिया फैसला। केंद्र सरकार की नीतियों से नाराज 31 जनवरी को फूंका जाएगा प्रधानमंत्री का पुतला। कुरुक्षेत्र के कस्बा शाहबाद में बोले इनेलो वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय संगठन सचिव श्याम सिंह राणा, कहा राज्य की वर्तमान सरकार पूरी तरह फेल। गुरुग्राम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, सोना चौक सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। कैथल के लघु सचिवालय में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर का हंगामा, महिलाएं अपने बच्चों और परिवार के साथ धरने पर बैठी। नानौत के बिजली कर्मचारियों ने बिजली बोर्ड के प्रांगण में गेट मीटिंग का किया आयोजन। मीटिंग का मुख्य उद्देश्य 22, 23 और 24 फरवरी को होने वाली हड़ताल की तैयारी को लेकर किया विचार विमर्श। पानीपत जीटी रोड स्टेट बैंक में चोरी की कोशिश नाकामयाब, नाकाम चोर डीवीआर लेकर हुए फरार। फरीदाबाद में मारपीट का वायरल वीडियो के मामले में तुरंत कार्रवाई, थाना ऊर्डा ईआरवी ने एक आरोपी को पकड़ा। हुड्डा मार्केट सेक्टर 18 के एरिया कार्तिक रेस्टोरेंट की घटना है ये। बदमाशों ने एक युवक को तंदूर में रोटी सेकने वाली सरियों से किया था पीड़ित, हाथ पैरों पर मारी चोट। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से फरार। कैथल जिले के 2 अध्यापकों और 1 पत्रकार पर बिना वजह एफआईआर दर्ज, विरोध में आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर के समर्थन के साथ राज्य मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर किया प्रदर्शन। कहा आज हम शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर जल्द कैथल के उपायुक्त का तबादला नहीं हुआ तो 4 तारीख से बड़ा आंदोलन होगा। वहीं गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग और औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने किया रेड, मैसर सिटी मेडिकॉल शॉप पर नकली ग्राहक बेचकर किया रेड। मेडिकल स्टोर को मौके पर ही किया सील, दोनों दोषियों के खिलाफ थाने में दर्ज करवाई गई एफआईआर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। कैथल में 4 बड़े स्कूलों को हाथ, यहां पर हाईकोर्ट ने फरमान किया जारी, बिना फीस जमा करवाने वाले बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं के लिए नहीं कर सकेंगे मना। 4 बड़े स्कूल जैसे सिल्वर ओक इंटरनेशनल स्कूल, सिल्वर ओक पब्लिक और कई स्कूल इसमें शामिल।
हाईकोर्ट के जारी फरमान मामले में जिले की पेरेंट एसोसिएशन हरियाणा और पंजाब उच्च न्यायालय में रिट पर यहां पर पिटीशन की थी जारी। माननीय न्यायालय की तरफ से स्कूलों को गाइडलाइंस की गई जारी। हांसी में 10 लाख रुपए केस से भरा बैग हुआ चोरी, बैग मालिक को नहीं चला पता। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की शुरू। नूह में किसान नेता रवि आजाद ने जिला प्रशासन को दिया अल्टीमेटम, कहा कि अगर किसानों की मांगों को नहीं माना तो 22 जिलों के किसान राजकामेव में करेंगे जमावड़ा। किसानों की 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार पूरा करने में कर रही आनाकानी। वहीं राजकमेव INT इंडस्ट्रियल एरिया में किसानों को देखते हुए पुलिस बल को भी भारी संख्या में किया गया तैनात। पानीपत में किराना व्यापारी ने नहर में छलांग लगाकर की आत्महत्या, कुछ दिन पहले किराना व्यापारी संदिग्ध परिस्थितियों में घर से हुआ था लापता। पुलिस के आश्वासन के बाद परिजनों ने उठाया शव, मौके से मृतक का सुसाइड नोट भी बरामद। सुसाइड नोट में 8 लोगों के नाम, मृतक का करीब 20 लाख रुपए का था लेन देन। यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने यमुनानगर सिविल अस्पताल में महर्षि सुश्रुत की प्रतिमा पर किया अनावरण, अस्पताल की पार्किंग का भी किया उद्घाटन। विधायक घनश्याम दास अरोड़ा और सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया ने कहा महर्षि सुश्रुत ने पूरे विश्व को सर्जिकल के दिखाई नई टेक्निक। सोनीपत में 134A के पहले ड्रॉ में उत्तीर्ण बच्चों का दाखिला नहीं करवा पा रही सरकार, दूसरे ड्रॉ की हो रही तैयारी, अभिभावक परेशान। बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी, हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर यूनियन को केंद्र कमेटी के आह्वान पर प्रदेश के सभी सब डिवीजन पर गेट मीटिंग पर किया रोष व्यक्त। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कुरुक्षेत्र के सेक्टर 8 के बिजली विभाग कार्यालय के सामने किया धरना प्रदर्शन, प्रशासन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। फरवरी को बिजली विभाग कर्मचारी सर्कल कार्यालय पर करेंगे प्रदर्शन, 22 फरवरी को करेंगे प्रदेशव्यापी हड़ताल। बहादुरगढ़ में भी बिजली कर्मचारियों ने सब स्तर पर गेट मीटिंग कर किया रोष प्रदर्शन, सरकार से फिर से उनकी मांगों को तुरंत प्रभाव से माने जाने का आह्वान किया। यमुनानगर में पहली डोज 100% लोगों को हुई पूरी, दूसरी डोज 77% लोगों को लगी, विद्यार्थियों को महीने के अंत तक 100% डोज का लक्ष्य होगा पूरा। यमुनानगर में एक्टिव केस की संख्या 925, होम आइसोलेशन में 819 मरीज, 106 लोग अस्पतालों में हैं दाखिल। घर में घुसकर दिया चोरी की वारदात को अंजाम, सरेआम स्कूटी पर सवार होकर आया था चोर, गुरुग्राम के ओम नगर में घर में घुसकर की नकदी और सोने के जेवर चोरी। मकान मालिक के बच्चे को डराकर भेजा बाहर, पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद, सीढ़ियों के रास्ते ऊपर कमरे में जाता चोर हुआ कैद। गुरुग्राम में लकड़ी के गोदाम में लगी आग, गुरुग्राम के सेक्टर 9 में है लकड़ी का गोदाम, गोदाम में रखी लकड़ियां जलकर हुई खाक। आग लगने से किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं, दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, सुबह 9:30 बजे लकड़ी के गोदाम में लगी थी आग।
करनाल में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव, इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस को दी गई सूचना, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस। एफएसएल की टीम ने मौके का किया मुआयना। रेवाड़ी में आंगनवाड़ी वर्करों का धरना आज 52वें दिन भी जारी। विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर लगाए मंत्री से बातचीत में अड़ंगा लगाने का आरोप। इस बीच भूखा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव का पुतला। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने कहा कि धरना स्थल पर आकर मांगे माफी, वरना गांव गांव जाकर करेंगे प्रचार। झज्जर में हाल ही में हुई बरसात के कारण किसानों की फसलें हुई बर्बाद। किसानों को उठाना पड़ रहा भारी नुकसान। सरकार की ओर से बनाए गए पोर्टल पर अपनी फसल का बीमा कराने के लिए पहुंच रहे किसान। चरखी दादरी में बाबा स्वामी दयाल धाम में सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत का किया गया आयोजन। कई संगठनों के पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। सर्व जातीय सर्व खाप महापंचायत के माध्यम से सभी संगठनों से की गई अपील। कहा लोग राष्ट्रव्यापी हड़ताल को कामयाब बनाने के लिए 31 जनवरी को चरखी दादरी में इकट्ठा हो। हिसार में अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने व्यापारियों की मीटिंग की। पत्रकार वार्ता में कहा कि हांसी में सिटी विनायक बैंक ग्राहक सेवा केंद्र में अपराधियों की ओर से लगभग 12 लाख रुपए की लूटपाट करने से प्रदेश के व्यापारियों में है रोष। नूह जिले के आईएमटी रोचका मेव में सुबह से किसान धरने पर बैठे। किसानों ने कहा सरकार उनकी 10 सूत्रीय मांगे नहीं मानती है, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। किसानों के बीच पहुंचे नए एसडीएम। किसानों ने एसडीएम के सामने रखा अपनी मांगे। भारतीय किसान यूनियन ने मुर्दाबाद के नारे लगाने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी कही बात। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने एचटेट का परिणाम किया घोषित। बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगमवीर सिंह ने कहा एचटेट लेवल 1, 2 और 3 में उन्होंने घोषित किया कि क्या आया रिजल्ट। परीक्षा 18 और 19 दिसंबर को 3 चरणों में की गई थी आयोजित, जिसमें कुल 1,87,951 अभ्यर्थियों ने दी थी परीक्षा। करनाल में रोडवेज यूनियन ने प्राइवेट बसों के खिलाफ शुरू की भूख हड़ताल। रोडवेज कर्मचारियों ने कहा अगर समाधान नहीं हुआ तो हड़ताल को अनिश्चितकालीन तक किया जाएगा। रोडवेज कर्मचारियों की मांग असंध रूट की टाइमिंग की जाए ठीक, निर्धारित समय पर निकाली जाए तय बसें। करनाल में हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी हेल्पर वर्कर ने ट्रैक्टर मार्च कर सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। ट्रैक्टर प्रदर्शन में बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी वर्कर रही मौजूद। प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। एनआईटी फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में गर्भपात की दवाई बेचते हुए मेडिकल स्टोर संचालक को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दबोचा। सिविल सर्जन डॉक्टर विनय गुप्ता को मिल रही थी दुर्गा मेडिकल स्टोर पर गर्भपात बेचने की दवाई की शिकायत। सिविल सर्जन के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर फर्जी ग्राहक बनकर की गई छापेमारी।